नमस्कार दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं कि धान में हमारे सबसे ज़्यादा खाद कब और किस टाइम डालनी चाहिए। सभी लोगों का यही चयन होता है, तो हम आपको सजेशन। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आज हम अपने धानों में जो है 1 से 1.5 क्विंटल बीघे के हिसाब से बढ़ोतरी कैसे करें। तो हमें जो है अपने धानों में जो है 1 कट्टा यूरिया का 45 किलो का एकड़ के हिसाब से, और उसमें 5 से 10 किलो जिंक सल्फेट, क्योंकि जिंक हमारे जो है धानों में या हरी फसलों में बहुत ही ज़रूरी होती है। यहाँ 33% जिंक मार्केट में किसी भी नाम से उपलब्ध कर सकते हैं। और जो है इसमें एक सागरिका आती है, इफ़को की ले सकते हैं आप, और जो है आपको ह्यूमिक एसिड और फ्लेवरिक एसिड और अमीनो एसिड, ये हमारे मिट्टी को तो बहुत ही ज़रूरी चाहिए होते हैं। इससे हमारे जो है कल्लों का विकास अच्छा होता है, इसमें रूट्स अच्छी निकलती हैं। और हमने इसमें जो है 5 से 6 दिन पहले इसमें लगा दिया था, तो देखिए इसमें कल्ले जो है अभी तक बढ़ रहे हैं। ये देखिए आप, छोटे छोटे जो कल्ले हैं वो निकल रहे हैं, ये देखिए। और हमारा जो धान है वो बिल्कुल निरोग होना चाहिए, इसमें रोग नहीं होना चाहिए। रोग होगा तो हमारे जो ये पत्तियां हैं ये ख़राब हो जाएंगी। देखिए इसमें क्लोरोफिल भी अच्छा चल रहा है, और मैंने आपको बताया था ये जो जिंक होती है हमारी, ये क्लोरोफिल में बहुत सहायक होती है। क्लोरोफिल जो हमारे जो मिट्टी से जो पोषक तत्व तो होते हैं वो पौधों तक पहुँचाने का काम करते हैं। और जो सल्फ़र होती है हमारी, वो जो है मिट्टी का जो पीएच की वैल्यू होती है वो मेंटेन करती है, ताकि न्यूट्रिशन वैल्यू जो हमारे धान में है वो ऊपर तक अच्छी होनी चाहिए। और जो है इससे हमारे जड़ें फैलेंगी अच्छी, और हमारे जड़ों का विकास अच्छा होगा। विकास अच्छा होगा तो हमारे जो धान में जो फुटाव है वो काफ़ी अच्छा होगा। आप ये देखेंगे, आप